नमस्ते दोस्तों, मैं विक्की पंसारी कनीना। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं चमन ऋषि के पर्वत पे। आप लोगों ने चमन ऋषि का नाम जरूर सुना होगा, और अगर चमन ऋषि का नाम नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आपने कभी ना कभी च्यवनप्राश जरूर खाया होगा। सर्दियों के अंदर जो हम खाते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला च्यवनप्राश, च्यवनप्राश की खोज इसी पहाड़ी से हुई थी। चमन ऋषि इसी पर्वत पे रहते थे और इस पर्वत पे सैकड़ों तरह की औषधियाँ हैं। इन औषधियों की खोज करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ, ताकि इस पर्वत पे मिलने वाली औषधियों के बारे में मैं जान सकूँ और उसके बारे में आप लोगों को बता सकूँ। इस पर्वत पे मेरे को बहुत सी औषधियाँ मिली हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई औषधि इस पर्वत पे है तो वो है अड़ुस्सा कालाबासा। कालाबासा एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमारे शरीर में कफ की जो मात्रा है ना, खांसी के जो रोग हैं, दमा है, सवास है, उनका इलाज कर सकते हैं। हमारे पशुओं को कई बार आपने देखा होगा खांसी हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, खासकर बकरियों में ये समस्या बड़ी होती है। उसके लिए हम इस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। इस औषधि के उपयोग करने से ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और हमेशा के लिए। उपयोग कैसे करना है, बासा पत्ता लीजिए और उसको पानी में गेर के, जैसे हम चाय को उबालते ना, वैसे उबाल के आप अपने किसी भी पशु को पिला दीजिए। गाय को, भैंस को, बकरी को, घोड़ी को, पिग को, सभी पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही साधारण और बहुत ही पावरफुल औषधि है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये छोटी छोटी औषधियाँ हमारे आसपास बहुत होती है, हम इनका उपयोग नहीं करते। आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कालाबासा अड़ुस्सा। ये आपको आपके आसपास भी मिल जाएगा, और पहाड़, अगर आपके क्षेत्र में पहाड़ है तो पहाड़ों पे बहुत मात्रा में मिलता है, तो आप इसका उपयोग कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों को पता चल सके अड़ुस्सा कालाबासा के बारे में। धन्यवाद।